सपोर्ट की वजह से ही इतना बसी तादाद में जो है दस्तखान चल रहा है। और रमज़ान में स्पेशली बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे रश होता है, बहुत अच्छा अच्छा मेन्यू होता है खाने का। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज एक दफ़ा फिर अफ्तार हम बाहर करने वाले हैं और रोमान रईस के दस्तरखान पे जो कि जौहर मोड़ के पुल के नीचे कराई जाती है, और यहाँ पर मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा तो भाई देगे तो आ गई है। आज का दिन जुम्मे का है, और जुम्मे के दिन अगर आप बिरयानी ना खाएं और अफ्तारी में भी बिरयानी मिल जाए तो फिर सुभान अल्लाह हो जाए भाई। तो भाई ये देगे तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह देगे तो आ गई है, लोगों की आमद भी स्टार्ट है। तो फिर आज एक्सप्लोर करवाते हैं आपको रोमान रईस के दस्तरखान पे। रोमान रईस के साथ साथ यहाँ एक और बराबर में सेटअप लगा हुआ है जो कि गाड़ियों में माशाल्लाह अफ्तारी सर्व कर रहे हैं यार। ये देख रहे हैं वेरी गुड यार माशाल्लाह, गाड़ी वाले भी इन्हें देकर जा रहे हैं और ये भी गाड़ी वालों को दे रहे हैं अफ्तार। सुभान अल्लाह यार वेरी गुड। ये चेक करें ये जो यार ये जो आप बना रहे हो ये सारा गाड़ी वालों को दे रहे हो, तो जो रोड पे गाड़ियां गुजर रही हैं उन्हीं के लिए जो भी आ जाए। सुभान अल्लाह भाई ये चेक कर रहे हैं बहुत अच्छा, और ये भी अच्छे बड़े नोट पर माशाल्लाह कर रहे हैं। मेरा बनना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह ये है कि क्योंकि अफ्तार का वक्त बहुत ज़्यादा करीब आ गया, अराउंड 4 से 5 मिनट रह गए। और वेरी गुड इनका थाल बनाने वाला बंदा भाई, ये तो पूरा एक्सपर्ट बंदा है यार, बड़ी स्पीड में माशाल्लाह बनाए जा रहे हैं देखें। तो बस चेक करते हैं थोड़ी सी देर में यहाँ पर ये कि थाल वगैरह की सर्विंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो चंद एक लोग बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा जगह स्पेस खाली थी, और अब तो सारी जगहें बिल्कुल फुल नज़र आ रही हो, इवन बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि। और शरबत वगैरह पानी की बॉटल की डिस्ट्रीब्यूशन अब चल रही है, खजूरें वगैरह दी जा रही है। चलो भाई अगेन थाल बनना स्टार्ट होगा यार, वैसे बड़ी बात है वसीम भाई स्पीड अच्छी है। 2 मिनट के अंदर अंदर बंदे ने देख खाली करी है, 1 मिनट 19 सेकंड में ये थाल इस तरह से सेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि जब जैसे ही अफ्तार का वक्त शुरू होगा ना, जो कि 2 से 3 मिनट रह गए, उसके बाद बड़ी स्पीड में जाना इसकी सर्विंग स्टार्ट हो जाएगी। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यार बहुत स्पीड में भाई, जवान का बच्चा जो है ना चावल निकालने वाला, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में देखे खाली करने में लगा हुआ, इसकी स्पीड माशाल्लाह अच्छी है। जो इस वक्त अपने घर नहीं पहुँच सकता माशाल्लाह वो यहाँ बैठ के इफ्तार करेगा, ये तो कराची की असल सौगात है भाई। ये अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, और ये दो दो बंदे करके निकले क्योंकि किसी भी वक्त रोज़ा खुल जाएगा, हो गया रोज़े का टाइम कर रहे यार। और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मेरे पीछे आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होंगी गाड़ियाँ, असल अफ्तारी जो होती है ना यार ये इन्हीं लोगों के लिए होती है, ये लोग घर नहीं पहुँच पाते क्योंकि अभी भी 1 मिनट रह गया। अब 1 मिनट भी इतने सारे लोग जो रास्ते में जा रहे हैं किस तरीके से जाना घर जाके रोज़ा खोलेंगे। तो कराची में इसी वजह से जो है ना ये अफ्तार यहाँ पर रोडों पे कराई जाती है तकरीबन जगहों पे, कि ताकि ये लोग अफ्तार कर लें। अब ये चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर पीछे खवातीन भी बहुत सारी बैठी हैं, और यहाँ पर जेंट्स वगैरह यार, और ये सारे वो लोग हैं जो इफ्तारी के वक्त अपने घर नहीं पहुँच सके भाई। मान भाई माशाल्लाह से एक दस्तरखान चला रहे हैं, अफ्तारी करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रोज़ाना सैर अफ्तार कर रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस पर यही कहूँगा कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, और जितना थैंक यू किया जाए डोनर्स का हमारे उतना कम है, क्योंकि डोनर्स की सपोर्ट की वजह से ही इतना बसी तादाद में जो है दस्तरखान चल रहा है। और रमज़ान में स्पेशली बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे रश होता है, बहुत अच्छा अच्छा मेन्यू होता है खाने का, और वो खाने का मेन्यू भी इसीलिए होता है क्योंकि डोनर्स अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो अच्छे तरीके से हम उनको खिलाते हैं। और कोशिश ये होती है जो मैं और आप अपने घरों पे हम खाते हैं हर दिन डिफरेंट वैरायटी खाते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को भी खिलाई है। वेरी गुड। वैसे कितने टाइम से रोमान भाई ये कर रहे हैं आप? ये अलहमदिल्ला 4 साल हो गए इसको, हमने कोविड से स्टार्ट किया था, और अलहमदिल्ला 4 साल है और ये सक्सेसफुली चल रहा है सेम जगह पर सेम प्लेस। और ये ख्याल कैसे आया कि यार मैं अफ्तार का शुरू करता हूँ? ये देखिए अफ्तार का बेसिकली शुरू तो हमने राशन से किया था जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर हमने रोडों पे खड़े होकर लोगों को अफ्तार कराना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये ज़्यादा ठीक नहीं है, अगर किसी का भी पैसा तो उसको तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे स्पॉट दिया टेंट स्पेशल टेंट वालों से बात करके, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अफ्तार शुरू कराई अफ्तारी से, तो हमें वो भी महंगा पड़ता था यार, कम लोग खा रहे हैं पैसा ज़्यादा लग रहा, तो हमने कहा यार खाना स्टार्ट करो तो हो खुली कि उसमें हमें बरकत मिली, तो अल्लाह का बड़ा आसानी को बरकत मिली और खाने में लोगों को वसी तादाद में खाना खिलाता। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह रोमान रईस भाई लगे रहे, अल्लाह ताला और बरकत दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच भजन। आज की अफ्तार जो है रोमान रईस के दस्तरखान पे विद बिरयानी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कराची हो और जुम्मे वाले जुम्मा हो और कराची वाले जुम्मे के दिन बिरयानी ना खाएं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, जुम्मा पूरा नहीं होता ना कराची वालों का, जुम्मा पूरा नहीं होता इसलिए अफ्तार में भी मैं जुम्मे वाले दिन बिरयानी वाले दिन बिरयानी ज़रूरी, अफ्तारी हो या रमज़ान ना हो तो जुम्मे की नमाज के पास बिल्कुल ऐसा ही, बस अफ्तारी से स्टार्ट करते हैं यार बिरयानी से, अफ्तारी खोलते हैं, बहुत गर्म है
अफ्तारी तो कर ली और मैं आपको एक चीज़ बताने लगूँ, ये तीसरी शिफ्ट लगने जा रही है यहाँ पर इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, ये तीसरी शिफ्ट लग रही है और अभी भी ऑनवर्ड मतलब 4 से 5 शिफ्टें लगने की गुंजाइश अभी यहाँ पर है। तो यार वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब शिफ्टें कंटिन्यू लगती रहेंगी, लोग आके बैठ के जाते रहेंगे और जब तक आपका पेट नहीं भरता भाई, ये लोग नहीं कहते कि आप उठ जाएँ, मतलब आपको थाल भी रिफिल करके देते रहते हैं। अभी खुद अंदाज़ा लगा लें कि तीसरी शिफ्ट लग रही है रोज़ा खुलने के बाद से, पहली शिफ्ट लगी हुई थी, फिर मैंने अपनी अफ्तारी भी करी, फिर उसके बाद अभी तीसरी शिफ्ट लगने जा रही है। और भाई निकालने वाला पहले एक बंदा था, अब जो 2 बंदे आ गए यहाँ पर। वसीम भाई कब तक चलती रहेगी बिरयानी है? अभी तीसरी शिफ्ट लग रही है, अंदाजन कितनी शिफ्टें लगती होंगी वैसे? अच्छा 4 से 5 शिफ्टें लगेंगी। वेरी गुड यार, बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है मेरे लिए कि जब तक माशाल्लाह बिरयानी मौजूद है शिफ्टें लगती रहेंगी। ये दोबारा से ये लोग अलाइन कर रहे हैं भाई, चीज़ों को देख रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तार जो कि बेसिकली मैंने बताया रोमान रईस के दस्तरखान देख लिए, और यहाँ की यार सीरियसली एक अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, एक दफ़ा जो लोग बैठ गए और बैठ के अफ्तारी करके चले गए, उसके बाद दूसरी शिफ्ट लगी, फिर तीसरी अभी चल रही है, चौथी लगी है, 5 से 6 शिफ्टें होने रहते हैं, जब तक इनके पास बिरयानी की जगह मौजूद है चाहे अंदर चलता रहेगा, मतलब लोग आगे खाते रहे कोई बनाती नहीं है, और जिस बंदे का पेट नहीं भरता उसका थाल ख़त्म हो जाता है तो वो रिफिल करवा ले यार। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा लगा देखकर, ये सप्लाई जारी है अभी, और कराची में आपको जगह जगह पर इस तरह की नेकियाँ करते हुए लोग नज़र आएंगे, बड़ा अच्छा लगता है इसको देखने वाले इस पेज। तो अगर आप भी जा रहे हैं और आपका दिल कर रहा है भाई रास्ते में अफ्तारी करने का, तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल बहुत सारी बेशुमार जगह जाएँ और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आप सब लगा दूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलते रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।